नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी सस्ती नहीं है, महंगी कीमत अदा करनी पड़ती है। मर्द हो या औरत हो, जो भी अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा वो काम करेगा जिससे अल्लाह ने मना किया, वो काम करेगा जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यकीनन इसको सजा दुनिया में भी मिलकर रहती है, इसमें कोई शक नहीं। असल सजा आखिरत में है, फैसला होगा क़यामत के दिन, जन्नत या जहन्नम। दुनिया में भी उसको कुछ ना कुछ मिल गया, जो भी मसलन गाना है, नाचना है, इस तरह के फोश काम है, इसको मर्द करे तो भी सजा भुगतेगा, औरत करे तो भी सजा भुगतेगा। कोई भी ना फरमानी जिसे अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, उसको जो भी करेगा उसको सजा मिलेगी। तजर्बा करके देख ले, दावे से कहता हूँ, पूरी दुनिया में चले जाए, काफिर जो मुसलमान जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा उससे सजा मिलकर रहती है। मैं आपको एक मर्द एक औरत की मिसाल देता हूँ। मसलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया गाने से, डांस से और इस तरह के फोहश कामों से। इसकी दो मिसालें, एक है सबसे पहला सिंगर अहमद रुश्दी, एशिया का सबसे पहला सिंगर, 1938 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुआ, 45 साल की उम्र में फौत हो गया, फिर 45 साल की उम्र में। और हुआ क्या था, 1983 में फौत हुआ, लेकिन कितनी बीमारियों में मुब्तला था, तकरीबन 5 से 6 बीमारियों में ऐसी तकलीफ दे जिंदगी गुजरी कि जवानी में मर गया और इंतहाई तकलीफ की हालत में मरा। यह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी का नतीजा है। आप औरतों में देख लें, औरतों में पाकिस्तान में रानी बड़ी मशहूर गुजरी है, मशहूर अदाकारा थी, रकासा थी, अदाकारी से भी मना किया शरीयत ने, रकासा से थी, नाचने से भी गाने से भी मना किया, लेकिन वो करती थी। 1946 में पैदा हुई, बेशुमार फिल्मों में काम किया। अल्लाह ढील भी देते हैं ना, फिरौन को भी ढील दी, कारून को भी ढील दी, हामान को भी ढील दी, शद्दाद को भी ढील दी, काफिर को भी ढील देते हैं, शैतान को ढील क़यामत तक दे दी, तो काफिर को क्यों ना देंगे, ढील दी। बेशुमार फिल्मों में काम किया रानी ने, बड़ी शोहरत मकबूलियत हासिल की, उसके बाद जग के बाद एक शादी की नाकाम हुई, तलाक हो गई, दूसरी शादी की नाकाम हो गई, तीसरी शादी की नाकाम हो गई, तलाक हो गई, मुसलसल परेशानियों ने क्या कर दिया, कैंसर जैसी मूजी मर्द में मुब्तला कर दिया, 40 साल की उम्र में जवानी में फौत हो गई। मेरा दीदो, क्यों नहीं फातबिर या वाले अफसार, क्यों नहीं इबरत हासिल करते। आज मेरे बच्चे, मेरे बच्चियां, मेरे नौजवान, बूढ़े मर्द औरत सारे लगे हुए टीवी के पीछे, ड्रामे के पीछे, फिल्म के पीछे, नाच गाने में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ये पता नहीं अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। अल्लाह के रसूल की नाफरमानी सस्ती नहीं है, महंगी कीमत अदा करनी पड़ती है दुनिया में भी आखरत में। अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरे बच्चियों को, मेरे देश के, मेरे वतन के और पूरे आलम इस्लाम, पूरी इंसानियत को अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से महफूज फरमाए, ताकि तकलीफों से बच जाए।